हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेम अबास रिएक्ट। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो आज मैं पोइट्री लेके आया हूँ अहमद फराज साहब की। बहुत ही मजेदार पोइट्री है, तो चलो सुनते हैं उनकी पोइट्री। ऐसी पोइट्री का डाला आ जाए तो चलो देखते हैं। ये सिर्फ जोक के लिए था, सीरियस ना समझ लेना। और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और फेसबुक पेज पे भी। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि अहमद फराज साहब ने क्या ऐसा मजेदार लिखा है। तो मुझे तो बहुत ही, मैंने थोड़ी सी सुनी है, पसंद आया, तो आप भी सुने और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको ये पोएट्री कैसी लगी। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये अपनी मर्जी से सोचता है इसे उठा लो। वाह। ये अपनी मर्जी से सोचता है इसे उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। ये अपनी मर्जी से सोचता है इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है इसे उठा लो। क्या बात है। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है इसे उठा ला चाहिए। एक और जुन भी है कि जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खिल्लत। सही बात है। जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खिल्लत, ये उन सयानों पे हंस रहा है इसे उठा लो। क्या बात है। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो। सही बात, यही हाल है। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये मर्जी से देखता है। इसे उठा लो। और एक और बड़ा जुर्म है यहाँ पर कि ये पूछता है कि अमन आमा का मसला क्यों। माजरत, मैं वायद आपसे माजरत कर रहा हूँ। ये पूछता है कि अमन आमा का मसला क्यों, ये अमन आमा का मसला है। सही बात। ये पूछता है कि अमन आमा का मसला क्यों, आधा पाकिस्तान तो इसलिए अंदर है। ये अमन आमा का मसला है, इसे उठा लो, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर। हम तो आईनी हदूद का पूछते ना तुमसे। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको अहमद फराज साहब की पोएट्री? मुझे तो बहुत ही मजेदार और सच्ची लगी पोएट्री, जिसे हम कहते हैं ना सच, उन्होंने अपनी पोएट्री में लिखा है। तो हमारे मुल्क में होता यही है कि जो भी कोई सवाल पूछता है किसी से भी, तो उसे उठा लिया जाता है या उसे दबा दिया जाता है या उसके साथ कुछ ऐसा बुरा कर दिया जाता है, वो दोबारा बेचारा बोलने के काबिल ही नहीं रहता। तो कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको पोएट्री कैसे लगी। मेरे तो दिल को जाके लगी है, सही बात है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और कमेंट्स में ये भी बता दें कि नेक्स्ट किस वीडियो पे रिएक्शन बनाया जाए, और हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोज लेके आते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें यार, ऐसी वीडियोज लेके आते हैं आपके लिए, फनी भी होती हैं, सीरियस भी होती हैं, और कुछ जो होते हैं करंट इश्यूज पे भी वीडियोज बना रहे होते हैं हम। तो प्लीज हमें यार सपोर्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाजत। ओके जी, गुड बाय।